हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने फ्रेजेस की। ठीक है, ये जो फ्रेजेस टॉपिक है या जो फ्रेज टॉपिक है, ये हर किसी के एग्जाम में आता है, चाहे आप 12th क्लास में हैं या आप बड़े से बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस के अंदर आपको फ्रेज देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रेज को आज अपने तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एक है नाउन फ्रेज, एक है एडजेक्टिव फ्रेज और एक है आपका एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। तो सबसे पहले जो नाउन फ्रेज है उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो ये सबसे पहले अपने पास नाउन फ्रेज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन ए सेंटेंस एज ए सिंगल नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। ठीक है, तो कोई भी एक अपने पास सेंटेंस है उसके बीच में या तो नाउन हो या वो प्रोनाउन, तो वो अपने पास क्या बन जाता है, एक तरह से नाउन फ्रेज बन जाता है। इसके बीच में एक सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, शी हैज ए वेरी एक्सपेंसिव वॉच। ठीक है, एक्सपेंसिव वॉच, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप समझते रहना। शी हैज, उसके पास है, ठीक है, क्या है, तो एक्सपेंसिव वॉच, वेरी एक्सपेंसिव वॉच है उसके पास। अगर अपने यहाँ पे इस जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको अगर मैं अंडरलाइन कर दूं, ये आपका क्या बन जाएगा, एक नाउन फ्रेज बन जाएगा, एनपी बन जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे क्या है, एक नाउन दिया हुआ है, वॉच नाउन है, और इससे पहले आने वाले जितने भी होते हैं उसको अपने क्या कहते हैं, प्री मॉडिफायर कह देते हैं। पहले आता है तो उसको कहते हैं प्री मॉडिफायर, जो कि नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्री मॉडिफायर हैं, क्योंकि नाउन से पहले हैं, और नाउन के बाद में आते हैं तो उसको पोस्ट मॉडिफायर कह देते हैं। तो नाउन फ्रेज में आपको क्या याद रखना है कि जो भी नाउन फ्रेज होता है, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है द ओल्ड लेडी लाफ्ड। ठीक है, द ओल्ड लेडी लाफ्ड, तो जो बूढ़ी औरत है वो क्या कर रही है, हंस रही है। ठीक है, और अगर अब मैं कर दूं अंडरलाइन द ओल्ड लेडी को, तो एक चीज और याद रखना, ये जो नाउन फ्रेज होता है ये आपका सब्जेक्ट के इसमें भी आ सकता है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, नाउन फ्रेज आपका सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। उसके बीच में आपको क्या है, कोई ना कोई एक नाउन देखने को मिलेगा और उससे पहले या उसके बाद में आपको मॉडिफायर्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लेडी क्या है, एक नाउन है, और इससे पहले ओल्ड लिखा हुआ है, ये इसका क्या होगा, प्री मॉडिफायर, और दा लिखा हुआ ये इसका क्या होगा, ये भी एक तरीके का प्री मॉडिफायर ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक नाउन फ्रेज बन गया। नाउन फ्रेज में आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिसके बीच में एक नाउन होगा और उसके साथ कुछ प्री मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसके बारे में बताते हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब अपने बात करते हैं आगे की, जिसके बीच में अपने देखेंगे अब एडजेक्टिव फ्रेज कौन से होते हैं। फ्रेज का मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ठीक है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पास एक कोई भी वर्ड और उसका एक प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नाउन फ्रेज आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब अपने चलते हैं, कौन सा फ्रेज है, ये अपने पास है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे कि अपने को नाम से पता लग रहा है कि जिसके बीच में अपने को क्या है, किसके बारे में पता लगेगा, कि कोई भी अपने को एक विशेषता पता लग रही होगी, किसकी, किसी भी नाउन की, जैसे माई डॉग जिमी, माई डॉग जिमी इज वेरी क्यूट। ठीक है, माई डॉग इज वेरी, जिमी इज वेरी क्यूट। यहाँ पे जो वेरी क्यूट है ये अपने को क्या बता रहा है, इस जो डॉग की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, डॉग के एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, डॉग की क्वालिटी के बारे में कह सकते हैं, बता रहा है कि डॉग कैसा है या डॉग दिखने में कैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर वो पूछ ले कि इज वेरी क्यूट लिखा हुआ है, तो ये कौन सा फ्रेज है, तो ये आ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, जिसके बीच में अपने को क्या है, विशेषता के बारे में पता लगता है कि मेरा डॉग कैसा है, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो वो क्या आ जाएगा, विशेषता में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही ये देखो, दी गाय, दी गाय मतलब कोई एक आदमी है, दी गाय, उसके बाद में इन द रेड शर्ट, इन द रेड शर्ट,
इज माई नेबर, यहाँ पे नेबर की स्पेलिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर इसने कह दिया इन द रेड शर्ट, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द गाय इज माई नेबर, ठीक है, द गाय इज माई नेबर, तो ये तो आपके सामने, अगर मैं माई नेबर को या द गाय को कर दूं तो ये नाउन फ्रेज ही बनेगा कि वो गाय मेरा क्या है या वो इंसान मेरा क्या है, नेबर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर उस बंदे की विशेषता बता दी कि द गाय, वो आदमी जो कि रेड शर्ट में है वो मेरा क्या है, नेबर है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर उसको बता दिया, पर्टिकुलर मैंने एक बता दिया कि ये जो लाल कलर की शर्ट के अंदर जो आदमी है यही मेरा क्या है, नेबर है, ठीक है। जब अपने पूरी एक चीज के बारे में पूरी तरीके से डिफाइन कर देते हैं या उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या अपने पास इन द रेड शर्ट क्या बन गया, उसकी एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बन गया, एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अब आपको लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे पता करना है, एडवर्ब फ्रेज को कैसे पता करना है और नाउन फ्रेज को कैसे पता करना है, क्लियर। उसके बाद में आप अपने देखते हैं यहाँ पे अपना जो लास्ट है उसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, अब अपने पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज, क्या है अपने पास, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज के अंदर जैसे अपने को सभी को पता है एडवर्ब फ्रेज में अपने को किसी ना किसी कारण का या किसी जगह का या अपने को कैसे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो अपने उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे अगर अपने देखें, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही ढंग से दिखाई दे, जैसे गुड न्यूट्रिशन, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड न्यूट्रिशन, अगर अपने अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्वेश्चन बना दूँ गुड न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट वाई, या वाई इज गुड, वाई इज इम्पोर्टेंट गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या बता रहा है, उस स्टेट के बारे में बता रहा है, या अपने को ये बता रहा है कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी भी सेंटेंस से आप किसके लिए पूछोगे या कैसे पूछोगे, अब देखो अगर तो अपने पूछते हैं ही इज ए गुड पर्सन, ठीक है, ही इज अ गुड पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर दूं पूरे को, इस पूरे को अंडरलाइन कर दिया तो यहाँ पे पर्सन क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इससे पहले ये क्या आ गया, प्री मॉडिफायर आ गया, तो ही इज अ गुड पर्सन क्या बन गया, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे नाउन फ्रेज बन गया, एनपी बन गया, क्लियर। और अगर मैं कह दूं ही इज गुड, ही इज गुड, वह अच्छा है या वह अच्छा है, तो वह अच्छा है अगर मैं गुड पे कर दूं अकेला गुड पे, तो गुड एक एडजेक्टिव है, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। देखो मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मैंने ये देखो यहाँ से आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर मैं लिखूं ही इज ए गुड पर्सन, ठीक है, और एक मैं लिख दूं शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल लिख देता हूँ, गर्ल लिख दिया, ही इज ए गुड पर्सन। और देखो ही इज ए गुड पर्सन पूरे का पूरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये तो क्या बन गया अपने पास, नाउन फ्रेज बन गया। और ऐसी अगर ये देखूं शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये भी एक तरीके का क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया, क्लियर, क्योंकि इसके बीच में एक नाउन बता हुआ है। अब अगर मैं ये कह दूं शी इज काइंड, शी इज काइंड, यहाँ पे एक काइंड क्या बन गया, एक इसका एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, ये काइंड क्या बन गया, इसका एडजेक्टिव बन गया, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसके बारे में और भी कंप्लीट अपने को इन्फॉर्मेशन आगे देखने को मिलेगी, मतलब सेंटेंस अपने को पूरा उसके एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता के बारे में कंप्लीट बताएगा, उसको अपने कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। और जिसके बीच में अपने पास एक नाउन हो और उसके बारे में कुछ वर्ड्स उसके इंफॉर्मेशन के बारे में और बताते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कह देते हैं। अपने देख रहे थे एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज में अपने को किसी भी जगह के बारे में बताया, जैसे विटामिन आर प्रोवाइडेड इन मैनी फूड्स, तो अगर मैं पूछूं कि विटामिन जो है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो मैनी फूड्स से मिलते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर ही अपने को एडवर्ब फ्रेज देखने को मिल जाता है, जैसे एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के समय, तो व्हेन, वेयर और हाउ का जब भी अपने को देखने को मिले, याद रखना व्हेन, वेयर और हाउ, अगर ये तीनों वर्ड्स के अपने को उत्तर आ रहे हैं,
व्हेन वेयर हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, एक एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। लाइन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, बस कई बार क्या होता है कि अपने हाउ के चक्कर में अपने उसको क्या बना देते हैं, हाउ के चक्कर में अपने एडजेक्टिव बना देते हैं, पर एडजेक्टिव के अंदर ये होता है कि अपने को उसकी विशेषता के बारे में पता लगाना चाहिए। हाउ का मतलब कैसे, वहां पे अपने को क्या है उसके कारण के बारे में बताएगा, ठीक है, याद रखना। हाउ का मतलब यहाँ पे उसके कारण के बारे में पता लगेगा कि कैसे ये काम हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता, ठीक है। वेयर का मतलब किसी प्लेस के बारे में पता लगेगा, व्हेन मतलब किसी भी टाइमिंग के बारे में पता लगेगा, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी हैं कि नाउन फ्रेज कैसे होता है, एडजेक्टिव फ्रेज कैसे होता है, और आपका एडवर्ब फ्रेज कैसे होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।